नमस्कार G24 लाइव न्यूज़ में आपनुं स्वागत छे। नर्मदा स्टेच्यू ऑफ यूनिटीना सानिध्य में केवड़िया खाते द्विदिवसीय प्राणी संग्रहालयना नियामक अने पशु चिकित्सकोना सम्मेलन समारोह योजवामां आव्यो हतो। प्राणी संग्रहालय प्राधिकरण द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल जूलॉजिकल पार्क खाते द्विदिवसीय प्राणी संग्रहालयोना नियामक अने पशु चिकित्सक सम्मेलन करवामां केन्द्रीय वन पर्यावरण राज्यमंत्री अश्विन कुमार चौबे अने गुजरातना वन अने पर्यावरण राज्यमंत्री जगदीशभाई विश्वकर्मानी उपस्थितिमां प्रारंभ करवामां आव्यो हतो। आ सम्मेलनमां भारतना विभिन्न राज्योमांथी पधारेल 100 થી વધુ પ્રાણી સંગ્રહાલયોના પ્રતિનિધિઓએ ભાગ લીધો હતો। તેમજ સમારોહના પ્રારંભે મંત્રીશ્રીઓએ અન્ય મહાનુભાવોએ વાઇલ્ડલાઇફ થીમ પર યોજાયેલ પ્રદર્શનની મુલાકાત લઈને વિસ્તૃત જાણકારી મેળવી હતી। આ પ્રસંગે કેન્દ્રીય વન અને પર્યાવરણ વિભાગના ડિરેક્ટર જનરલ સુભાષચંદ્રા તેમજ કેન્દ્રીય વન અને પર્યાવરણ વિભાગના એડિશનલ ડાયરેક્ટર જનરલ સૌમિત્ર દાસગુપ્તા તેમજ કેન્દ્રીય પ્રાણી સંગ્રહાલય પ્રાધિકરણના સભ્ય સચિવ સત્યપ્રકાશ યાદવ અને ગુજરાતના ચીફ વાઇલ્ડ લાઇફ વોર્ડન શ્યામલ ટીકાદાર તેમજ કેન્દ્રીય પ્રાણી સંગ્રહાલયના પ્રાધિકરણના DIG ડૉક્ટર સોનાલી ઘોષ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। गौतम व्यास, ब्यूरो रिपोर्ट, नर्मदा। ये दो दिन की यहाँ पे नेशनल जू डायरेक्टर्स कॉन्फ्रेंस थी। देश के लगभग 106 पार्टिसिपेंट्स जो डिफरेंट स्टेट से आते हैं, जो जू के डायरेक्टर्स हैं और जो डॉक्टर्स हैं, वेटनरी डॉक्टर्स हैं, उनकी कॉन्फ्रेंस थी। इसमें जू मैनेजमेंट के हर एक पहलू पर डिस्कशन हुआ। मैं ये कहूँगा कि ये एक चिंतन शिविर था जहाँ पे एनिमल वेलफेयर के बारे में, उनके रखरखाव के बारे में, उनके ट्रीटमेंट्स के बारे में, उनके आउटरीच के बारे में, कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट के बारे में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में, CSR का सपोर्ट हम जू मैनेजमेंट में कैसे लें, इन सारे मुद्दों पर इसमें एक गहन विचार विमर्श हुआ। और ये चूँकि कोविड के बाद ये एक पहला बड़ा कॉन्फ्रेंस था और इसमें जो अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों पर डिस्कशन हुआ और बड़े ही अच्छे इसमें मुद्दे सामने निकल कर आए। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने आज घोषणा की कि हम इसमें प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की बात भी इसमें तलाशेंगे, उसकी संभावनाओं को तलाशेंगे। मंत्री जी ने आज बताया कि हम नेशनल स्तर पर एक फाउंडेशन की स्थापना कर रहे हैं ताकि ऐसे विषम परिस्थितियों में हम जू को सपोर्ट कर सकें। इसमें कॉरपोरेट सेक्टर CSR का सपोर्ट भी लिया जाएगा। इसके साथ ही जैसा मंत्री जी ने कहा कि एक विज़न प्लान सारे जू का एक 10 साल का बनाया गया है, तो उसके संबंधित जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेशों के, उनको उनके द्वारा पत्र लिखा जाएगा ताकि इन जू को सपोर्ट किया जा सके।